तंगी दूर करने के लिए सराफा व्यापारियों को झांसा देकर ठगी करने वाले दंपति की ओर दो करतूत उजागर हुई है। उन्होंने मूलचंद साहेबलाल सराफा तथा करण कोठारी के साथ ही इतवारी के कक्कड़ ज्वेलर्स और बजाज नगर के वामन हरि पेठे ज्वेलर्स से भी मंगलसूत्र उड़ाए हैं। बुधवार को कक्कड़ ज्वेलर्स का मामला दर्ज किया गया। ज्ञात हो कि तहसील पुलिस ने आरोपी छाया भोयर और उसके पति राकेश भोयर को गिरफ्तार किया है। उनसे गहने सहित 8,31,000 रुपए का माल बरामद किया है। छाया पहले रामदासपेट के होटल सेंटर पॉइंट में अकाउंटेंट थी, जबकि राकेश वेटर है। उन्हें 6 माह की बेटी है। गर्भवती होने के दौरान नौकरी छूट जाने से छाया बेरोजगार हो गई थी। बेरोजगार भाई की भी जिम्मेदारी होने से वह पैसे कमाने का मार्ग खोज रही थी। उसने 21 अक्टूबर को इतवारी सराफा बाजार के मूलचंद साहेबलाल सराफ ज्वेलर्स तथा 25 अक्टूबर को कोठारी ज्वेलर्स के कर्मचारियों को झांसा देकर मंगलसूत्र उड़ा लिए थे। सीसीटीवी से तहसील पुलिस ने दोनों गुत्थे सुलझाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसका पता चलने पर शंकरलाल कक्कड़ ने भी उनके यहाँ हुई दुर्घटना की शिकायत दर्ज कराई। शंकरलाल का टांगा स्टैंड पर कक्कड़ ज्वेलर्स है। भोयर दंपति ने कक्कड़ ज्वेलर्स से ही योजना आरंभ की। 20 अक्टूबर को मंगलसूत्र खरीदने के बहाने छाया कक्कड़ ज्वेलर्स में आई। मंगलसूत्र पसंद करने के बहाने सेल्स गर्ल की नज़र बचाकर 1.5 लाख रुपए का मंगलसूत्र उड़ा लिया। कक्कड़ द्वारा शिकायत दर्ज नहीं किए जाने से छाया के हौसले बुलंद हो गए। इसके बाद उसने 21 और 25 अक्टूबर को दूसरी तथा तीसरी वारदात को अंजाम दिया। बुधवार को शंकर कक्कड़ की शिकायत मिलने के बाद तहसील पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में भी भोयर दंपति की गिरफ्तारी की जाएगी। वामन हरि पेठे ज्वेलर्स का मामला पहले ही दर्ज है। याच्यामध्ये एक सुशिक्षित महिला छाया भोयर ही दागिने खरेदी करण्याच्या बहाण्याने दुकानामध्ये जायची। तिच्यासोबत तिचं 6 महिन्याचं लहान बाळ पण असायचं आणि दागिने दाखवण्यासाठी दुकानदारांना सांगायची। तिथे दागिने बघण्यामध्ये त्यांची दिशाभूल करून तिथे दागिने तो चोरी करायची। असे तिने आत्तापर्यंत 3 दुकानामध्ये दागिने चोरी केल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले आहे। कक्कड आणि करण कोठारी वामनहरी पेठे या दुकानातील तिने दागिने चोरी केल्याचे दिसून आलेले आहे। पण यापूर्वी फिर्यादींनी ऑलरेडी फिर्याद दिलेली होती, मग त्याच्यावरून गुन्ह्याचा तपास केला आणि त्याच्याकडून सदर 4 गुन्ह्यामध्ये एकूण 4 गुन्ह्याचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे। त्या मुद्देमालाची किंमत आहे 8,31,000 रुपयाच्या सोने चांदीचे दागिने सदर आरोपी महिलेकडून जप्त करण्यात आलेली आहे। पुढील तपास चालू आहे। तपास केला, फक्त एका गुन्ह्यामध्ये मधील मुद्देमाल तिने तिच्या पतीकडे दिला होता, त्यालाही एका गुन्ह्यामध्ये आरोपी केलेले आहे। बाकीच्या गुन्ह्यातील माल हा तिच्याकडून हस्तगत केलेला आहे। अजून तिचा कोणी साथीदार नसल्याचे सध्या तरी निष्पन्न झाले तपासात दिसून येत आहे, परंतु तपास अजून सखोल तपास करायचा चालूच आहे। आणखी काही आरोपी असल्यास तिच्यासोबत त्यांनाही आपण अटक करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे।